अब हम सुनेंगे मॉनिटरिंग इन डायबिटीज। डायबिटिक लाइफ में आपको क्या क्या मॉनिटर करना है, क्या क्या चेक करना है। आप देखिए, ये शिविर में सब कुछ भूल जाते हो तो भूल जाओ भले, लेकिन एक शब्द नहीं भूलना, वो शब्द है DIET। क्या बताया? DIET। डी स्टैंड्स फॉर, कल बताया था मैं, डी स्टैंड्स फॉर डाइट एंड डी एडिक्शन। खाली खान पान नहीं है, उसके साथ डी एडिक्शन भी है। एंड आई स्टैंड्स फॉर इंसुलिन एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। आपको टेबलेट, कैप्सूल, इंसुलिन, जो भी इंजेक्शन आदि हैं, ये सारी बात है। ई माना एक्सरसाइज एंड एजुकेशन। एंड टी माना टाइमली टेस्ट्स, कब कब क्या क्या चेक करना है। तो ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए खान पान का परहेज नहीं रखता है, सिगरेट, तम्बाकू सिगरेट लेता है, बाकी कुछ भी करता रहे, जैसे DIET से डी को निकाल दो, IET सब कोई शब्द होता है, IET कोई शब्द होता है। कहने का मतलब है, आप खान पान परहेज नहीं रखते हो, तम्बाकू सिगरेट खा रहे हो, तो बाकी कुछ भी करते रहो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इस प्रकार आई को निकाल दो, क्या रहा? DET, उसका कोई मीनिंग है? आप अगर सही दवाई नहीं लेते हो तो बाकी सब जो भी कुछ करते हो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर ई को निकाल दो, क्या रहा? DIT, उसका कोई मीनिंग है? नो मीनिंग। अर्थात आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो, डायबिटीज का नॉलेज नहीं है आपको, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन टी को निकाल दो, क्या रहा? क्या रहा? डाई। तो अगर आप टेस्ट नहीं करते हो रेगुलर नियमित रूप से, यू विल डाई ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए टेस्ट एंड मॉनिटरिंग का कितना महत्व है समझिए। इसमें से डेली आपको क्या चेक करना है, आपको नियमित रूप से जो चेक करना है उसमें क्या चेक करना है, डेली क्या चेक करना है, मैं बता चुका हूं। बताइए क्या चेक करना है? आप अपने पैरों का चेकअप डेली करना जरूरी है। खुद देखो, चेहरा जितने बार हम देखते हैं मिरर में, उसका 10 गुना ज़्यादा अपना पैरों को देखना है। क्योंकि पैरों में कुछ भी तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ, मैं बता रहा हूँ, इतनी सफरिंग्स होती है हमें देखा नहीं जाता है। इसलिए डेली पैरों को चेक करना है। लेकिन क्या चेक करना है, व्हाट टू चेक, क्या चेक करना है? देखना है मेरे पैरों के नीचे ऐसे तलवा में ऐसे लाल लाल तो नहीं हो गया है? किसको न्यूरोपैथी हो गई, अर्थात सेंसेशन नहीं है, नंगे पाँव में चलता है, खास करके गर्मी के मौसम में सीमेंट के फर्श में कोई अगर चलता है बाहर, एकदम गर्म होता है, नॉर्मल व्यक्ति चल ही नहीं पाता है, न्यूरोपैथी होगा तो आदमी आराम से चलता रहेगा, उसको कोई पेन नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा, ऐसे पाँव लाल हो जाएगा, फिर वो चमड़ी निकल जाएगी, अल्सर हो जाएगा। एक बार घाव हो गया सालों तक, फिर क्योंकि सारा बॉडी का वेट उसके ऊपर पड़ता है, तो फिर रोते रहो। तो देखना है कि मेरे तलवा में ऐसा लाल तो नहीं हो गया है। अगर आप देख नहीं पाते हो, कम से कम एक मिरर रख के भी देखो, क्योंकि कई मोटे होते हैं, मोड़ नहीं पाते पाँव को। और क्या देखना है, और क्या देखना है, ऐसे पैरों में कोई ऐसे फटे हुए तो नहीं है, एड़ी फटे हुए तो नहीं है? क्योंकि पैरों में मैं अभी भी चेक करूँगा ना, बहुत माताओं का मैं देखता हूँ, मेजोरिटी लोगों के पैर फटे हुए हैं। ये जर्म्स के लिए दरवाज़ा है, जर्म्स घुसेंगे अंदर, इन्फेक्शन होगा, पैर कटाना पड़ेगा, वेरी डेंजरस आई टेल यू, सेलुलाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए पैरों का देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऐसा है तो क्या करना है, नंगे पाँव में कभी नहीं चलना है, सॉक्स जरूर पहनना है, जूते पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है, और रोज़ नहाते समय पानी में पाँव को भिगा के जो कपड़े घिसते हो स्क्रबर में, उसको अच्छी तरह से घिसो ताकि वो डेड टिश्यू निकल जाए। आजकल एक स्टोन मिलता है, प्यूमाइस स्टोन कहते हैं उसको, नहीं तो स्क्रबर में घुसो। फिर रात को सोते समय पेट्रोलियम जेली मिलता है, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन ही है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होता है, सस्ता है। तो पेट्रोलियम जेली आप मेडिसिन स्टोर में मिल सकता है, किराना स्टोर में मिलता है, हार्डवेयर स्टोर में भी मिलता है। आप आधा लीटर एक लीटर का बॉक्स ले आइए, सस्ता है, कितने लंबे समय तक यूज करो।
रात को सोते समय अच्छी तरह से पाँव में घिस करके लगा के सोना है। सबरे भी नहाने के धोने के बाद भी पोछ पाछ करके सबरे भी लगा सकते हो, ज़्यादा फटा हुआ है तो ठीक हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए हैं, ऐसे पैर फटा हुआ नंगे पाँव में घूम के आए, इन्फेक्शन हो गया, लाखों रुपये खर्च करना पड़ा, ICU में हाइस्ट एंटीबायोटिक दे के बचाया, तो डेंजरस है, नंगे पाँव में नहीं चलना है, ऐसा पैर नहीं फटना चाहिए, ठीक है। यस, देखेंगे सभी, चेक करेंगे, अब देखना कहीं भी ऐसा क्रैक नहीं होना चाहिए। और क्या देखना है, ऐसे फफोले तो नहीं हो गए, टाइट शूज जो पहनते हैं ऐसा हो जाता है, टाइट शूज नहीं पहनना है आपके, हमेशा जूते चप्पल खरीदते हो तो इवनिंग टाइम में आफ्टरनून में खरीदो, सवेरे सवेरे सो के जब उठते हैं हमारा पाँव सिकुड़ा हुआ रहता है, उस समय अगर जूते चप्पल खरीदेंगे तो शाम को टाइट हो सकता है, तो हमेशा जूते चप्पल आफ्टरनून में खरीदो और गुड फिटिंग, लूज भी नहीं टाइट भी नहीं, सॉफ्ट मुलायम चप्पल जूते जो भी पहनते हो। चप्पल के बदले मैं तो कहूँगा सैंडल खरीदो, जो पीछे बैक स्ट्रैप होता है, वेलक्रो वाला होता है, अच्छा है। किसको न्यूराइटिस होती है, न्यूरोपैथी, सेंसेशन नहीं रहता है, चप्पल पहन के चलते रहते हैं, अचानक अरे मेरा चप्पल कहाँ गया, पीछे मुड़ के देखते हैं तो 20 फुट पीछे चप्पल पता ही नहीं, तो वेलक्रो वाला होगा, बैक स्ट्रैप होगा तो चप्पल निकलेगा नहीं पाँव से, सॉफ्ट मुलायम वाला चप्पल खरीद रहा है। कभी कभी ब्लिस्टर फट जाता है तो नॉर्मल व्यक्ति का तो सूख जाता है, लेकिन आपका अगर ऐसे फट गया तो इन्फेक्शन हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। और जूता एकदम हार्ड जूता, प्लास्टिक का जूता खरीदते हैं, कट जाता है, शू वाइट हो जाता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमेशा जूता चप्पल बहुत मुलायम सॉफ्ट वाला खरीदो, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तो पड़ेगा, अपने लिए ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कट हो गया, घाव हो गया, कुछ हो गया तो लाखों रुपये जाता है, जान भी जाता है, पैर भी जाता है। पाँव के नीचे कभी कभी ऐसे कैलोसिटीज हो जाते हैं, जो नंगे पाँव में चलते हैं, हार्ड प्लास्टिक जूते चप्पल पहनते हैं, ऐसे पत्थर जैसा हो जाता है, बिल्कुल एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, इसको कैलोसिटी कहते हैं। उसके नीचे अल्सर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, डेंजरस है। जो टाइट जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, टो बॉक्स के अंदर देखो ऐसे पाँव मुड़ जाता है, जिसको हैमर टो कहते हैं, फिर कॉर्न कैलोसिटीज हो जाते हैं, ये डेंजरस है, नहीं होना चाहिए। आप पैरों की अगर टोज को सेपरेट करोगे, देखना ऐसे बीच में आप यहाँ सफ़ेद सफ़ेद कलर का देखेंगे, डिस्कलरेशन, ये फंगल इन्फेक्शन है, महीनों तक नहीं जाता है, सालों तक ठीक नहीं होता है। अगर ऐसा है तो उसमें डस्टिंग पाउडर, एंटीफंगल पाउडर डालो, कैंडिड पाउडर आता है, पंडर्म प्लस पाउडर आता है, उसमें डालो, उसमें वैसलीन तेल आदि नहीं लगाना है। पैरों में कई लोग तेल लगाते हैं, मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में चूहों की कोई कमी नहीं है, इवन 3-star 5-star होटल में भी चूहा देखा हूँ मैं, और हमारे देश में कई लोग नीचे सोते हैं जमीन में पट पे। आप अगर बढ़िया खुशबूदार तेल लगा के सोए हो, रात को चूहा आएगा सूंघ सूंघ के और 2-3 उंगली खा के चला जाएगा, सवेरे देखेंगे एकदम खून खून लाल लाल चारों तरफ, ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आप पेट्रोलियम जेली जिसमें कोई खुशबू नहीं होता है वो लगाओ, अच्छा है। और तेल क्रीम आदि ये टोज के बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पाउडर डालो। प्रिंसिपल है, कभी भी पाँव गीला होता है, चाहे नहाने के बाद, पाँव धुलाई करने के बाद, एक टॉवल लाके अच्छी तरह से पोछो, ड्राई होना चाहिए। जब गीला होता है फंगल इन्फेक्शन होता है, पैरों में ऐसे देखिए बुनियन हो जाता है, डिफर्मिटीज हो जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उंगलियाँ। अगर ऐसा है तो कस्टमाइज शूज सैंडल लो, उसमें फ्रिक्शन होगा, घिसेगा तो वो फिर कैलोसिटीज हो सकते हैं, उसमें फिर अल्सर हो सकते हैं। जो टाइट शूज पहनते हैं, इनग्रोइंग टोनेल हो जाते हैं, ऐसे नाखून देखिए ऐसे अंदर इनग्रोइंग हो जाता है, बहुत पेन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेरोनिकिया हो जाता है, ऐसा अगर हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नाखून को अंदर तक कभी मत काटिए, सामने थोड़ा सा बड़ा स्ट्रेट काटिए, फाइल में थोड़ा घिस दीजिएगा। टाइट शूज नहीं पहनिए, टो बॉक्स में हमारे शूज बिल्कुल एकदम ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर ये दबना नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे भाइयों के आजकल जूते जो है ना, आप देखना एकदम पॉइंटेड, सामने पूरा चूहा का मुंह जैसा है, फेंक देना चाहिए जूता, ब्रॉड होना चाहिए।
और माताओं की चप्पल तो क्या बताएं, उसकी क्या गुणगान करें, क्या महिमा करें। इतने बड़े बड़े हिल जैसे ऊंट जैसे खड़े हैं और एकदम आधे टोज आधे पांव बाहर फेंक देना चाहिए, वो बिल्कुल अनहेल्दी। 99% माताएं बहनों के चप्पल जूते चप्पल फेंकने लायक है। आपके पाँव का साइज से थोड़ा बड़ा होना चाहिए चप्पल जूते जो भी है, और कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए जूते चप्पल से, सामने ब्रॉड होना चाहिए ताकि दबे नहीं। तो डेली आप नहाने के बाद धोने के बाद पाँव पोछो। सॉक्स पहनना है, सॉक्स पहनेंगे तो फटेगा नहीं, और लाइट सॉक्स पहनना है, लाइट कलर का कॉटन सॉक्स पहनना चाहिए। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब गंदा हो जाता है इसलिए हम काले मोजे पहनते हैं। काला मोजा गंदा नहीं होता है क्या? डार्क कलर का मोजा गंदा नहीं होता है? नहीं होता है? होता क्यों नहीं है? लेकिन दिखता नहीं है, गंदा होता है दिखता नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, सीधा 7 दिन पहनेंगे, फिर उसको उल्टा करके 7 दिन पहनेंगे, और जब जूता खोलेंगे वहां कुत्ता भी भाग जाएगा खड़ा होगा तो, आदमी तो क्या। तो ये बहुत अनहेल्दी हैबिट्स हैं। इसलिए सफेद कलर का इसलिए बोल रहा हूं कि आप डेली उसको धुलाई करेंगे, और वहां कहीं आपके पाँव में खरोच है, कहीं एब्रेजन है, कुछ है, तो वहां स्टेन लगेगा तो दिखेगा आपको, अरे मेरे पाँव में कुछ हो गया। काले कलर का दिखेगा नहीं, कुछ स्टेन होगा कुछ होगा तो नहीं। डार्क कलर का नहीं पहनना है, सफ़ेद कलर का पहनना है, लाइट कलर का पहनना है। पैरों को अच्छी तरह से स्वच्छ रखना है, पोछना है अच्छी तरह से, मिरर में तलवा देखना है, अगर नहीं दिखता है हर पार्ट मिरर में देख के पता चलेगा आपको, डेली चेकिंग करना है जरूरी है। ठीक है, क्लियर? तो पाँव का देखभाल करेंगे सभी? यस। एक बार पाँव में कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर एक पाँव कटा, मैं आपको बता रहा हूँ बी केयरफुल, हमने देखा है अगर किसी डायबिटीज पेशेंट का एक पाँव किसी कारण से कट गया, दूसरे पाँव कटने में कोई देरी नहीं लगती है, 2-3 साल के अंदर कटेगा ही एक पाँव, दूसरे पाँव भी 100%, फिर व्हील चेयर में सारा जीवन बिताना पड़ता है। तो अपने पैरों को थोड़ा देखिए, क्योंकि आप देखिए तो सारा शरीर का वजन ढो ढो के बेचारा सारा जीवन चलता है। आपको पता है हम सारे जीवन जितना चलते हैं, इस अगर कंटिन्यूसली चलें सारे वर्ल्ड को 4 बार हम प्रदक्षिणा कर लेंगे, इतना चलते हैं सारे वर्ल्ड को, पूरा ट्रैवल सारे लाइफ में एक मनुष्य इतना चलता है। तो हमारे पैर को हम कितना देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? पैरों तो ऐसे होना चाहिए पैरों का संभाल, ताकि गुरुओं के चरण कोई धो के पानी पी जाए, चरणामृत कह के। देवी देवताओं के चरण, गुरुओं के चरण जैसे होते हैं, पाँव हमारा ऐसा होना चाहिए। लेकिन वे नेग्लेक्ट आवर फिट, कोई देखता नहीं, कोई संभालता नहीं, देखता है ठीक है, जिसके कारण फिर एक दिन ऐसे हालत में आते हैं लोग की बात मत पूछिए। महीने में क्या चेक करना चाहिए? तीन बातें चेक करनी है। एक तो आपके बॉडी वेट, मैं कहूँगा अगर आप ओवरवेट हैं, मोटे हैं, तो हर हफ्ता चेक करो, क्योंकि महीना टू लेट हो जाता है। एक महीने के बाद आप चेक करते हो, मान लीजिए चेक किया 5 किलो बढ़ गया लास्ट महीने से, हाय मेरा 5 किलो बढ़ गया ना, फिर क्या करोगे? लेकिन हर हफ्ता चेक कर रहे हो, 1 किलो भी बढ़ेगा तो आप कम से कम डाइटिंग करके एक्सरसाइज करके उसको घटाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ हर हफ्ता चेक करो। जिनके घर में वेइंग मशीन है हाथ उठाओ, बस। जिनके घर में मिक्सी है हाथ उठाओ, सबके घर में होगा मुझे पता है। वेइंग मशीन सबके घर में होना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए, और चेक करना चाहिए। सेम वेइंग मशीन में चेक करो ताकि पता चलेगा आपका वजन, नहीं तो 15 जगह वेइंग मशीन में चेक करेंगे तो अलग अलग दिखाएगा। दूसरा आपको क्या चेक करना है, आपका ब्लड प्रेशर, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों ट्विन ब्रदर्स है, एक आया तो दूसरा आएगा ही पीछे पीछे, और जिसको ब्लड प्रेशर है उसको डायबिटीज आएगा ही पीछे पीछे। तो इसलिए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर भी उतना इंपॉर्टेंट है। महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए। जिनके घर में ब्लड प्रेशर मापने का मशीन है हाथ उठाइए, बस सबको रखना चाहिए। लेकिन इसका प्रिंसिपल कुछ है,
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ठीक से नहीं मेजर करेंगे तो वो करेक्ट रीडिंग नहीं देता है। हमेशा एक चेयर में बैठना जरूरी है, बैठ के योर बैक शुड बी सपोर्टेड, आपका कमर ऐसा बैक सपोर्ट होके रहना चाहिए कुर्सी में, आपका हाथ इट शुड बी एट रेस्ट रिलैक्स होके, और जो इसका कफ जो बांधना है आपका एल्बो जॉइंट जो है इससे दो उंगली छोड़ दो उसके ऊपर बांधो। बांधने के बाद जो ट्यूबिंग है ट्यूबिंग सामने होना चाहिए, और ट्यूबिंग पीछे साइड में नहीं सामने होना चाहिए, आपका हाथ रिलैक्स करके रखो ऐसे टाइट करके नहीं, कई लोग ब्लड प्रेशर मापते समय ऐसे टाइट कर देते हैं फिर एकदम हाई दिखाएगा, रिलैक्स होके बैठो। तो योर बैक शुड बी सपोर्टेड, योर हैंड शुड बी एट रेस्ट, द कप शुड बी टू फिंगर्स अबव द एल्बोज एंड द ट्यूबिंग शुड बी इन द फ्रंट और रिलैक्स, तो ही सही रिपोर्ट दिखाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे तो होता है। बीच बीच में आप क्रॉस चेकिंग करा सकते हो आपके फैमिली फिजिशियन से डॉक्टर से कि ठीक है कि नहीं। मॉर्निंग इवनिंग दो बार चेक करना चाहिए ताकि डायरनल वेरिएशन होता है कईयों का। अर्ली मॉर्निंग हमेशा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोल सब कुछ अर्ली मॉर्निंग शूट करता है, इसलिए सवेरे सवेरे ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। देखिए हम ब्लड प्रेशर मेडिसिन भी हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठते ही खाओ कहता हूँ, नहीं तो रात को खाओ। जितने भी हार्ट अटैक लोगों को होता है अर्ली मॉर्निंग ही होता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर मेडिसिन उठते ही खाओ, नहीं तो रात को सोते समय खाओ तो सवेरे सवेरे शूट नहीं करेगा। और तीसरा है आपका ब्लड शुगर चेक करना जरूरी है। जिनके पास ग्लूकोमीटर है हाथ उठाओ, कईयों के पास है, जिनके पास नहीं है प्लीज गेट इट, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है। आप कितने बार दौड़ेंगे, कहाँ दौड़ेंगे, घर में रखेंगे, कहीं भी ट्रैवल करते समय कहीं कुछ होगा तुरंत चेक करोगे आपको पता चलेगा। तो ग्लूकोमीटर एक साथ में रखना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो लाइफ सेविंग। लेकिन आपको महीने में एक दिन निर्धारित कीजिए, उस दिन मुझे चेक करना है, और चार दफा चेक करना है, सवेरे खाली पेट, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। लोग एक बार चेक करते हैं खुश, ओह मेरा शुगर तो नॉर्मल है, सारा दिन कितना समोसा गुलाब जामुन कचौरी खा गया, कितना शुगर अप डाउन हुआ किसने देखा, फिर 24 घंटा कंट्रोल है कि नहीं कैसे पता चलेगा। इसलिए चार दफा चेक करना है, खाली पेट, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। नाश्ता पूरा हो गया डेढ़ घंटे के बाद चेक करो, लंच पूरा हो गया डेढ़ घंटे के बाद चेक करो, नहीं तो नाश्ता बिगिनिंग शुरू किया लिया स्टार्ट कर रहे हो दो घंटा। तो महीने में अगर एक दिन में नहीं कर पाते हैं, आज फास्टिंग करो और नाश्ते के बाद करो, कल परसों फिर लंच के बाद करो, और दो तीन दिन छोड़ के डिनर के बाद करो, लेकिन महीने में एक दफ़ा चार बार होना चाहिए तो पता चलेगा आपका शुगर कंट्रोल है। आपको हर चौथा महीना में क्वार्टरली दो बातें चेक करनी चाहिए, एक है आपका बॉडी कंपोजिशन, आपके बॉडी में चर्बी कितना है, मसल्स कितना है, आपका BMI कितना है, एक छोटा सा मशीन है खड़े होने से उसका इलेक्ट्रॉनिक जो है इसे दिखा बता देता है। अगर ये नहीं है, जो मोटे हैं खास उनके लिए ये जरूरी है, अगर नहीं है आपका टारगेट पता चलेगा हर तीन महीने के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है, मसल्स कितना डेवलप हुआ, चर्बी कितना घटा, आपका BMI कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ये बताता है। दूसरा है आपका HbA1c, ये पास्ट 3 मंथ्स का शुगर बताता है, हमारा पिछले तीन महीने में हमारा एवरेज ब्लड शुगर कितना था वो बताता है। तो इसलिए ये टेस्ट करना अंदाजे से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं पता चलेगा। ये अगर 7% के अंदर है सेफ, आपको कोई प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो ये टेस्ट लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से कराना ठीक है, कहीं भी किधर भी कराएंगे तो नुकसान होगा, कुछ भी रिपोर्ट देते हैं उल्टा सुलटे। सही रिपोर्ट अगर जरा सा भी एरर है इधर उधर तो कोई मतलब नहीं, तो सही रिपोर्ट आप अच्छे स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से कराएंगे, 400-500 रुपये चार्ज करते हैं, अच्छे लेबोरेटरी से कराओ। अगर चौथे महीने में नहीं कर सकते कम से कम 6 महीने में एक बार ये करा लेना चाहिए, तो अंदाजा तो पता चलेगा आपका शुगर ठीक है कि नहीं। हर 6 महीने में चार बातें चेक करनी चाहिए, एक है आपका लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, दांतों का चेकअप, पैरों का चेकअप, चार बातें, क्योंकि डायबिटिक लाइफ में 40% लोगों को नेफ्रोपैथी हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, चेक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। तो आपका ब्लड से, आपका यूरिन चेक करने से पता चलेगा किडनी सही सलामत है कि नहीं। लीवर भी, कई लोगों का लीवर खराब हो जाता है, उसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है और
कई प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। दांत 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि दांत में कुछ अगर हुआ तो आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा। और दांत में इन्फेक्शन हुआ तो लार के जरिए पेट में जाएगा, आंतड़ी में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, हार्ट अटैक हो जाता है, पेरियोडोंटाइटिस होने से हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। दांत 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ अगर फूड पार्टिकल जमा होता है तो इन्फेक्शन 100% होगा। सोने से पहले एक बार करना है, ऐसे ही नहीं, अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से क्लीन करो। आप डेंटिस्ट को पूछो, बता देंगे कैसे एक्चुअली करना चाहिए। और पैरों का चेकअप आप खुद तो डेली करेंगे ही, लेकिन हमारे पास कई मशीन से अर्ली न्यूरोपैथी उसे डिटेक्ट हो जाता है, हम मशीन से चेक करते हैं। साल में एक बार अपना कंप्लीट चेकअप करना चाहिए, कंप्लीट चेकअप, आपके आँखों के पर्दे का चेकअप, फंडोस्कोपी, आपके दांत का चेकअप, थायराइड का चेकअप, हार्ट का चेकअप, लीवर किडनी का चेकअप, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप, यूरिन का चेकअप, पैरों का चेकअप, पूरा कंप्लीट चेकअप एक बार हो जाना चाहिए। जैसे गाड़ी को सर्विसिंग कराते हो, ऐसे साल में एक बार अपने शरीर का कंप्लीट चेकअप कराने से आप पता चलेगा आपको क्या हो रहा है। अर्ली स्टेज में कुछ पता चले तो आप ठीक भी कर सकते हैं, नहीं चेक करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर। आपके कमर कितना होना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी कमर उतनी छोटी उम्र। लंगर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ, क्योंकि हमारे पेट में जो चर्बी जमा होता है अंदर, विसरल फैट कहते हैं, दैट इज द कल्प्रिट, जिसके कारण हार्ट अटैक से लेकर सारी बीमारियां शुरू होती है। तो कमर हमारी भाइयों के 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, बहनों के 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। हिप आपको मापने की जरूरत नहीं है। वेट कितना होना चाहिए, वेट आपका हाइट जितना सेंटीमीटर में है उसमें 100 माइनस कर दो भाइयों के लिए। मान लीजिए किसी का वेट हाइट 170 सेंटीमीटर है, 100 माइनस कर दिया कितना रहा, 70 किलो होना चाहिए, 1-2 किलो आगे पीछे चलेगा। बहनों का 105 माइनस करना चाहिए। मान लीजिए किसी का हाइट 160 सेंटीमीटर है, 105 माइनस कर दिया कितना रहा, 55 किलो होना चाहिए। चलो दोनों में क्यों अंतर रखें, आप 100 ही याद रखो, आपको 5 किलो कंसेशन दे देते हैं। ठीक है, तो 100 याद रखिए, जितना हाइट सेंटीमीटर है 100 माइनस कर दीजिए, यही वेट होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर 130/80, ज़्यादा से ज़्यादा 140/80। किसी का उम्र 60 साल हो गया है तो 150 तक भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नीचे का 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर भी चेक कराना चाहिए। हमारा फास्टिंग शुगर कितना होना चाहिए, खाली पेट कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, याद रहेगा कि नहीं, 100 नोट दिखाया आपको, प्लस माइनस 10-20, 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए बताया 100 याद रखो, 10 माइनस आगे 10-20 आगे पीछे हो चलेगा। और कभी भी नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद आप शुगर चेक करते तो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 150 प्लस माइनस 20, 170 तक चलेगा, 170 से ऊपर जाता है 180 हो जाता है तो यूरिन में शुगर निकलना शुरू हो जाता है, 200 के ऊपर गया तो खतरा ही खतरा है, 200 के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। ग्लूकोमीटर में 200 के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, ग्लूकोमीटर हमेशा 10-20 आगे पीछे दिखाता है, तो ग्लूकोमीटर में कभी भी 200 के ऊपर गया तो खतरा ही खतरा है, 150 होना चाहिए। तो याद रहेगा, खाली पेट कितना रहना चाहिए, 100, खाने के बाद कितना होना चाहिए, 150। ठीक है, और आपके टारगेट सारे, आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स क्या होना चाहिए, क्रिएटिन कितना होना चाहिए, लिवर फंक्शन, ये सारा आप जब लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हो जो आता है उसमें नॉर्मल रेंज रहता है। ये सारी बातें आपको याद नहीं रहेगा इसलिए मैं आपको डिटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अगर आप सचमुच जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो, डायबिटीज़ को डिफीट करना चाहते हो, भगाना चाहते हो, इराडिकेट करना चाहते हो, मैं जो खान पान की टिप्स बताया अच्छी तरह से जीवन में फॉलो करो, देखो डायबिटीज़ यूँ भाग जाएगी। और आपको डॉक्टर्स जो आपको दवाई देते हैं वो भी इस्तेमाल करो रेगुलर नियमित। ये याद रखना एक चीज़, डायबिटिक लाइफ में डायबिटीज़ जो दवाइयाँ मिलती है, कुछ दवाइयाँ डायबिटीज़ खाने से आधा घंटा पहले लेना होता है, 15-20 मिनट कम से कम खाने से पहले लेना होता है, कुछ दवाइयाँ खाने के बीच में लेना होता है, आप नाश्ता शुरू किया बीच में एक गोली,
लंच शुरू किया बीच में गुल, कुछ दवाइयाँ खाने के बाद खाना होता है, तो आप हमेशा इंजेक्शन भी ऐसा है, इसलिए आप अपने डॉक्टर को हमेशा पूछिए डॉक्टर साहब ये गोली कैसे खाना चाहिए, क्योंकि आप पैसा खर्च करते हो, जो गोली नाश्ते से पहले लेना चाहिए उसको नाश्ते के बाद लोगे तो आपका शुगर भी कंट्रोल नहीं होगा, पैसा भी गया, कोई मतलब नहीं, इसलिए डॉक्टर को हमेशा पूछना है। और क्या करना है, आप जो टेस्ट करते हो घर में ग्लूकोमीटर में, बॉडी वेट मेजर करते हो, एक डायरी बनाओ उसमें डेट डालो और सब पैरामीटर्स लिखो, कभी भी डॉक्टर के पास आते हो तो दिखाओ अपने डायरी, सर ये मेरा ऐसा है, पीरियडिकली चेक कराओ, और जो भी आपका हेल्थ कार्ड, हेल्थ रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सब डेट वाइज इसको एक हेल्थ फाइल बना के रखो, कहीं भी ट्रैवल करते हो, कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हो, सब लेके जाना है, ऐसे नहीं ओ मैं तो घर में रख के आया हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी ऐसा करेगा कुछ भी लिख दे जा, आपका हेल्थ फाइल लेके जाएंगे तो आपको देखेंगे डॉक्टर, तो पता चलेगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम है क्या क्या नहीं है। मैं एक घंटा जांच करके सब कुछ लिखता हूँ, पेशेंट कहते हैं कहाँ गया भाई, हमारा डगी खा गया सर, अरे भाई मैं एक घंटा मेहनत करके लिखा, डगी खा गया उसको। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो टीटी को कहते हो क्या, टिकट तो खरीदा था टीटी साहब लेकिन मेरा डगी खा गया, तो डॉक्टर के पास आने के बाद क्यों ऐसा, फिर संभाल के रखो हेल्थ फाइल, और जब भी डॉक्टर के पास जाते हो अपना सब कुछ लेके जाओ, अपनी दवाई, अपने इंजेक्शन, अपने सिरिंज, अपना फाइल, अपना सब कुछ लेके जाओ, और कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर डॉक्टर को बताओ, कभी आपके देखने में धुंधलापन आ रहा है, कहीं काला काला हो रहा है, कुछ हो रहा है, लाइट दिखाई, दिखाओ आई में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका चेहरे सूज रहा है, पैर सूजन आ रहा है, दिखाओ कहीं भी घाव में घाव हो गया, अल्सर हो गया, गैंग्रीन हो गया, कुछ हो गया, सेंसेशन कम हो गया, आपको छाती में दर्द हो रहा है, पालपिटेशन हो रहा है, अंधेरा लग रहा है, या पाँव में दर्द हो रहा है, कहीं इन्फेक्शन हो गया, या आपका शुगर डाउन हो गया, डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन, कुछ भी हो गया डॉक्टर को जरूर बताओ, चलाओ नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है, फिर लाखों रुपया जाएगा, जान भी जाएगा। सो द टेक होम मैसेज इज पे ए विजिट टू डायबिटीज क्लिनिक एवरी सिक्स मंथ एंड सेव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। छः महीने में भी एक बार कोई आके हमारे पास पूरा दिखाता है तो मैं कहूँगा हजारों रुपये की बचत होगी, क्योंकि आपके सारी चेकिंग करके आप अर्ली कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर देंगे। लेकिन कोई अगर हर महीना चेक करता है मैं तो कहूँगा ही विल सेव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का देखभाल खुद के हाथ में है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप करोगे तो आप पाओगे, नहीं करोगे तो क्या कौन क्या करेगा, ठीक है।